तो कारगिल को टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और कारगिल एक अपना आइडेंटिटी उसके यहाँ के जो बहुत सारे टूरिज्म के प्रोडक्ट्स हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास है, किसी वार के नाम से ना जाना जाए और बाकी सारे एप्रिकॉट है हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन है उनके नाम से भी कारगिल जाना जाए और कारगिल को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लाएँ एक बेसिक पर्पज है। हमारे यहाँ के जो बडिंग स्पोर्ट्स मैन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और बाहर से भी जो भी स्पोर्ट जो स्पोर्ट्स मैन है जो हाई अल्टीट्यूड में उसको टेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि इनिशिएटिव है सरहद पुणे की तरफ से और ये छठा एडिशन हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और इसमें न सिर्फ हमारे देश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें विदेशों से भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें लोकल बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफरेंट जो इंडिया की सिटीज़ हैं वो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा माहौल है और ये स्पोर्ट्स के लिए और पेट्रोटिज्म दोनों के लिए एक अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है। तो मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो भी इसमें ऑर्गेनाइजर हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी की तरफ से हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कंपटीशंस को और भी ऑर्गेनाइज करें और बच्चों में एक स्पोर्ट्स को लेके एक एंथुजियाज्म हम लेके आएँ जिससे कि हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र अली है और मैं थीना से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आज कारगिल मैराथन जो हर साल होता है इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 5 किलोमीटर में और मैंने इस 5 किलोमीटर में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल किया।